अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग युवती को अगवा कर दुष्कर्म के आरोप में आरोपी गौरव को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 44,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 16 अगस्त 2020 का यह प्रकरण है, जिसमें पीड़िता के परिजनों द्वारा थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी गौरव ने स्कूल जाने के दौरान उसके पिताजी की टक्कर होने की बात कही। वह जिसे बाइक पर बैठा कर अगवा कर ले गया। इस दौरान आरोपी गौरव ने पीड़िता को अलग अलग जगह ले जाकर 3 दिन तक दुष्कर्म किया। मामले में 9 से 20 दस्तावेज प्रेषित किए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी गौरव को 20 साल का कठोर कारावास व 44,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जी सर, पॉक्सो नंबर 1 के द्वारा किस तरह का फैसला दिया गया है क्या? आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने एक अहम फैसला दिया है कि कठुमर थाना अंतर्गत क्षेत्र का एक प्रकरण है, जिसमें 16/8/2022 को पीड़िता जो थी स्कूल जाती थी अपने गाँव से, तो गौरव नाम का जो ये अभियुक्त है, इसने पीड़िता से कहा कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो उसको मोटरसाइकिल पर बैठा कर ये लेकर गया और ले जाने के पश्चात इस लड़की को 3 दिन तक अगवा करके रखा। जबरदस्ती इसकी इच्छा के विरुद्ध उसने लगातार इसके साथ बलात्कार किया। पुलिस में FIR लॉज होती है, उसके पश्चात में 363, 366A, 376, 500 IPC और 5L/6 का ऑफेंस में चार्जशीट आती है। और चार्जशीट आने के उपरांत अभियोजन की तरफ से कुल 9 गवाह और 20 दस्तावेजों को परीक्षित कराने के उपरांत दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात विशिष्ट न्यायाधीश महोदय जगेंद्र अग्रवाल जी ने आज मुलजिम गौरव कुमार को 20 वर्ष की सजा और 40,000 रुपये की जुर्माने से दंडित किया है। मैं विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीप खान, पॉक्सो नंबर 1, कठुमर थाना अंतर्गत क्षेत्र का मामला है।